साल 1875 के आसपास की बात है। भारत का एक क्रांतिकारी अंग्रेजों को धूल चटा रहा था। कभी कुश्ती में माहिर रहा यह व्यक्ति ब्रिटिश सरकार के दमन से इतना तंग हुआ कि अंत में उसने हथियार उठा लिए। उच्च वर्गों का साथ नहीं मिला तो उसने कोली भील समुदाय के लड़कों को इकट्ठा किया और बना लिया अपना एक गुट। गोली चलाना सीखा, घोड़े दौड़ाए और खुद को तैयार किया। उसके बाद हुआ अंग्रेजों से सीधा सामना। एक साल के भीतर 300 लोगों के इस गुट ने पुणे के धामरी गांव में एक व्यापारी के घर छापा मारा। अंग्रेजों के लिए इकट्ठा किया गया टैक्स इसी व्यापारी के घर जमा होता था, लिहाजा उन लोगों ने टैक्स का पैसा लूटा और आसपास के अकालग्रस्त गांव में बांट दिया। अंग्रेज इस घटना से बौखला गए, गुट के लीडर को डकैत घोषित कर उसके सर इनाम रख दिया। सोचिए इसके बाद उस क्रांतिकारी ने क्या किया होगा। उस रियल गीगा चैड ने ऐलान करते हुए कहा, मैं उल्टा बॉम्बे के गवर्नर के सर इनाम रखता हूँ। गवर्नर, क्या एक अंग्रेज को भी मारकर लाओगे तो इनाम मिलेगा। इस व्यक्ति का नाम था वासुदेव बलवंत फड़के, पुणे के एक महान क्रांतिकारी। एक खबरी के चलते वासुदेव पकड़े गए। क्रांतिकारियों को पकड़ने के बाद या तो फांसी दे देते थे या अंडमान की कालापानी जेल भेज दिया जाता था। यही वासुदेव के साथ भी हुआ, लेकिन जिस कालापानी में वासुदेव को भेजा गया, जहां एक लंबी भूख हड़ताल के बाद उन्होंने जान दे दी, वो अंडमान में नहीं था बल्कि एक दूर अरब देश में था। अरब देश के उस हिस्से में जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। कहाँ थी ये जेल? अरब का कौन सा हिस्सा ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करता था? जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देख रहे हैं तारीख। नक्शे पर नजर डालेंगे तो अरेबियन पेनिनसुला के एकदम दक्षिणी कोने में आपको दिखाई देगा यमन देश का एक बंदरगाह, जिसका नाम है एडन या अदन। अदन और भारत का रिश्ता कुछ 2000 साल पुराना है। जब भारत और रोमन साम्राज्य के बीच ट्रेड होता था तो इसी रास्ते होता था। अदन के पोर्ट पर तीन समंदरों का संगम होता है, लाल सागर, इंडियन ओशन और अरेबियन सागर। यानी इन तीनों मार्गों से आने वाले जहाज अदन से ही होकर चलते थे। नक्शे में ही ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भारत का मैंगलोर बंदरगाह अदन पोर्ट से ठीक सामने पड़ता है। दोनों के बीच लगभग एक सीधी लाइन खींची जा सकती है। इसी रास्ते अदन के इतिहास में एक लंबी यात्रा की, जिसका जिक्र मिलता है एक बहुत पुरानी किताब में, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये किताब ईसा के बाद पहली सदी में लिखी गई थी। इसमें लाल सागर, इंडियन ओशन, अरेबियन ओशन, पर्शिया की खाड़ी आदि के बारे में विस्तार से लिखा गया है। ये किताब रोमन लोगों ने लिखी थी ताकि भारत आदि इलाकों में व्यापार के रास्ते पहचान सकें। किताब में एक जगह लिखा है, समंदर के किनारे बसा अदन जहाज रोकने और साफ पानी हासिल करने के लिए बेहतरीन जगह है। भारत से आने वाला सामान यहाँ आसानी से पहुँच जाता है। किताब में किन चीज़ों का जिक्र किया गया है? हीरे, हाथी दांत, कपास, नील, काली मिर्च, खजूर, शराब। किताब के अनुसार ये सब चीज़ें भारत से अदन के पोर्ट तक लाई जाती थी। यानी अदन का पोर्ट उस वक्त भी ट्रेड का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था। हालांकि इस पोर्ट और भारत के रिश्तों की ये सिर्फ शुरुआत थी। रोमन साम्राज्य के खात्मे के कई साल बाद भी अदन और भारत के बीच व्यापार का जिक्र मिलता है। अदन और भारत के रिश्तों में एक निर्णायक मोड़ आया साल 1509 में। समंदर में हुई एक लड़ाई ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि तब भारत से यूरोप तक मसाले पहुँचाने का एक ही रास्ता था। मसाले चीनी, जवाहरात, गेहूं, पान, सुपारी, अरबी घोड़े, खजूर, ड्राई फ्रूट, इन सब चीज़ों का आयात निर्यात पारस की खाड़ी और लाल सागर से होते हुए अदन बंदरगाह तक, वहां से मिस्र और आगे यूरोप तक होता था। इस पूरे रास्ते पर इस्लामिक शासकों का कंट्रोल था और उन्हें इस व्यापार में खूब मुनाफा होता था। उदाहरण के लिए कालीकट से मसाले खरीदे जाते थे 4.64 डकेट में। डकेट यानी सोने के सिक्के, जो तब पूरे यूरोप में मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। 4.64 डकेट में खरीदे गए मसाले मिस्र ले जाकर 25 डकेट में बेचे जाते थे। वेनिस जाते जाते इनकी कीमत हो जाती थी 56 डकेट, और जब तक ये पुर्तगाल पहुंचते थे उन्हें 80 डकेट में खरीदा जाता। यानी भारत से पुर्तगाल पहुंचते पहुंचते मसालों की कीमत 20 गुना हो जाती थी। ये सौदा पुर्तगाल को काफ़ी महंगा पड़ता था। इसलिए 1498 में जब वास्को डी गामा ने भारत तक समुद्री रास्ता ढूंढ लिया तो पुर्तगाल को व्यापार का सीधा रास्ता भी मिल गया। साल 1500 में पुर्तगाल ने अपने एक जहाजी बेड़े को भारत भेजा। कोचिन में पुर्तगाल की पहली फैक्ट्री तैयार हुई। पुर्तगाल ने कम दामों में मसालों को यूरोप भेजना शुरू कर दिया, जिससे दक्षिण भारत में व्यापार की नई लड़ाई शुरू हो गई। अब तक इस ट्रेड में गुजरात के सुल्तान और मालाबार के जमूरन सुल्तान का एक अधिकार था। अब पुर्तगाली इसमें सेंध लगाने लगे थे। ये देखकर गुजरात और कालीकट ने मिस्र से मदद मांगी, क्योंकि अदन के बंदरगाह पर मिस्र का कंट्रोल था। मिस्र पर तब मामलुक सुल्तान अल अशरफ कंसू अल गौरी का शासन था। उनके लिए भारत से मसालों का व्यापार ही उनकी आय का मुख्य सोर्स हुआ करता था। इसलिए जैसे ही उन्हें खबर लगी, उनके कानों में घंटियां बजने लगी। मामलुक काफी ताकतवर राजवंश था। उनकी घुड़सवार सेना तब दुनिया में सबसे ताकतवर मानी
मानी जाती थी, लेकिन पानी पर वो काफ़ी कमज़ोर थे। इसलिए जब भी उनके जहाज़ भारत से लाल सागर की तरफ मसाले लेकर जाते, पुर्तगाली उन पर हमला कर देते। इस चक्कर में जामोरिन समेत तमाम साझेदारों को काफ़ी नुकसान होने लगा था। अंत में साल 1505 में पुर्तगालियों से निपटने के लिए मामलुक सुल्तान ने अपना एक जंगी बेड़ा भारत की ओर रवाना किया। बेड़े को कमांड कर रहे थे एडमिरल हुसैन अल-कुर्दी। साल 1509 में हुसैन अल-कुर्दी और पुर्तगालियों के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें पुर्तगाली जीत गए। मामलुक वंश हार गया और यहाँ से वो कमज़ोर होते चले गए। 1517 में ऑटोमन साम्राज्य के साथ युद्ध में हार के साथ ही उनके साम्राज्य का अंत हो गया। इसके बाद ऑटोमन साम्राज्य ने अदन के साथ पूरे यमन पर कब्जा कर लिया। ऑटोमन साम्राज्य और पुर्तगालियों में भी लड़ाई थी, लिहाजा पुर्तगालियों ने जेद्दा और मोका जैसे दूसरे बंदरगाह इस्तेमाल करने शुरू कर दिए और अदन बंदरगाह लगभग बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। बाकायदा ऑटोमन सुल्तानों के दौर में अदन एक मामूली गांव बनकर रह गया था और 300 सालों तक इसकी यही हालत रही। इसके बाद साल 1837 में इतिहास ने एक बार फिर से करवट बदली। एक घटना ने अदन को फिर केंद्र में लाकर रख दिया। 20 फरवरी 1837 की तारीख, दारिया दौलत नाम का एक जहाज कलकत्ता से निकलकर जेद्दा की तरफ जा रहा था। रात के अंधेरे में जब यह जहाज अदन के नजदीक से होकर गुजर रहा था, एक चट्टान से टकरा गया। शिप आगे जाने लायक नहीं रहा। इसमें बेशकीमती सामान भरा हुआ था, उसमें ब्रिटिश झंडे लगे हुए थे ताकि कोई उस पर हाथ ना डाले। लेकिन जब अदन के बंदरगाह पर शिप खराब हुआ, अदन के सुल्तान मुहसिन ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। अंग्रेजों को जब ये बात पता चली कि उनका जहाज किसी ने कब्जा लिया है, वो आग बबूला हो गए। हालांकि उन्होंने संयम से काम लेते हुए अपना एक दूत सुल्तान मुहसिन के पास भेजा ताकि बातचीत से बात सुलझ जाए। बातचीत के बाद एक सौदा तय भी हो गया। सुल्तान मुहसिन चाहते थे कि पोर्ट पर दोनों का जॉइंट कंट्रोल रहे, लेकिन अंग्रेज पूरा कंट्रोल चाहते थे। एक साल की समझाइश के बाद जब सुल्तान नहीं माने, अंग्रेजों ने फौज भेजकर अदन पर कब्जा कर उसे ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बना लिया। अदन पर वो सब कानून लागू होने लगे जो भारत में लागू होते थे। भारतीय रुपया अदन की आधिकारिक करेंसी बन गया। अंग्रेजों ने इसके बाद अदन में एक फैक्ट्री खोली और 2000 भारतीय जवानों की एक पलटन अदन में तैनात कर दी। साल 1850 में अदन को एक टैक्स फ्री पोर्ट घोषित कर दिया गया। अंग्रेज अदन पोर्ट का इस्तेमाल शराब, नमक, अफीम और हथियारों के ट्रेड के लिए करते थे। अदन अगले 20 सालों तक इंडियन ओशन का एक महत्वपूर्ण पोर्ट बना रहा। फिर 1869 में इसकी अहमियत और भी बढ़ गई। 1869 में स्वेज नहर का निर्माण पूरा हुआ, जिसका मतलब भारत से जहाज़ों को अब अफ्रीका का चक्कर लगाकर जाने की ज़रूरत नहीं थी। अदन से होते हुए स्वेज कैनाल के रास्ते यूरोप तक पहुंचा जा सकता था। अदन पोर्ट की अहमियत इसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा। अफ्रीका, एशिया और यूरोप के बीच अदन एक केंद्र की तरह डेवलप हुआ। इसके रेवेन्यू में 8 गुना की बढ़ोतरी हुई। एक तरह से अदन अंग्रेज़ों का माल का गोदाम बन गया था। चूंकि अदन से भारत के पुराने व्यापारिक रिश्ते थे, लिहाजा अंग्रेजों के दौर में अदन में गुजराती और मारवाड़ी व्यापारियों की आमद हुई और भारतीयों की यहाँ अच्छी खासी संख्या हो गई। अदन में एक जेल भी हुआ करती थी, जो एक तरह से दूसरा काला पानी था। यहाँ भारत के कई क्रांतिकारियों को रखा गया, जिनमें एक वासुदेव बलवंत फड़के की कहानी हमने आपको शुरू में सुनाई थी। वासुदेव के अलावा भारतीय इतिहास के कुछ और महत्वपूर्ण लोगों के साथ अदन का नाम जुड़ा। मसलन पंजाब के आखिरी महाराज दुलीप सिंह, जब वो बच्चे थे उन्हें निर्वासित कर इंग्लैंड भेज दिया गया था। महाराजा दुलीप जिंदगी भर वापस पंजाब आने की ख्वाहिश पाले रहे। साल 1886 में उन्होंने भारत आने की कोशिश भी की, लेकिन अदन में उन्हें गिरफ्तार कर वापस लंदन भेज दिया गया। महात्मा गांधी जब सेकंड राउंड टेबल सम्मेलन के लिए लंदन गए थे, वे भी 2 दिनों के लिए अदन में रुके थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी अपने जीवन काल में 2 बार अदन गए थे। अदन से जुड़ा एक और नाम आपको बताते हैं, धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी ने शुरुआत अदन बंदरगाह में एक पेट्रोल पंप पर काम करते हुए की थी। धीरे धीरे तरक्की करते उन्होंने शेल कंपनी के साथ काम करने वाली एक फ्रेंच फर्म में सेल्स मैनेजर की नौकरी की और फिर भारत आ गए। भारत आकर उन्होंने रिलायंस कंपनी की शुरुआत की। अदन का जिक्र करते हुए धीरूभाई एक जगह कहते हैं, अदन में रहते हुए मैं 10 रुपये खर्च करने से पहले 10 बार सोचता था, लेकिन कंपनी टेलीग्राम भेजने के लिए 5000 खर्च कर देती थी। इससे मुझे इन्फॉर्मेशन का महत्व समझ आया। बहरहाल सवाल ये कि अगर अदन ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, तो ये अलग कब हुआ? अप्रैल 1937 में ब्रिटिश सरकार ने अदन का एक गवर्नर नियुक्त किया, जो सीधे लंदन को रिपोर्ट करता था। इसके बाद अदन ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल से अलग हो गया। आज़ादी के बाद 1950 में भारत और यमन के बीच राजनयिक रिश्तों की शुरुआत हुई। हालांकि तब भी अदन पर कंट्रोल अंग्रेज़ों का ही था। साल 1963 में अंग्रेज़ों ने अदन छोड़ दिया। इसके बाद भी वहां भारतीय व्यापारियों का वर्चस्व बरकरार रहा। हालांकि अंग्रेज़ों के जाते ही स्थानीय अरब लोगों ने भारतीयों का विरोध शुरू कर दिया। लिहाजा बहुत से भारतीय बिजनेसमैन अदन से व्यापार समेट कर दुबई और लंदन जैसी जगहों पर चले गए। 1960 के दशक तक यहाँ हिंदू, जैन और पारसियों के मंदिर हुआ करते थे, जिनमें से कुछ ही अब बचे हुए हैं। लेकिन आज भी अदन में भारतीय मूल के लगभग
लाख लोग रहते हैं और अदन का बंदर का आज भी भारत से होने वाली ट्रेड का एक महत्वपूर्ण बंदर का है। आज की तारीख के एपिसोड में इतना ही। इसे आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी कमल भट्ट। देखते रहिए दी ललन टॉपर पर। शुक्रिया।